अगला देखो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी नाइन्थ में, हॉर्मोन्स का एक बड़ा सा पेज था उसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड। नहीं है तो घर पे जाके एक बार देख लो, बिकॉज़ वी कैन नॉट रिपीट दैट थिंग अगेन। मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था, अभी ये मत बोलो कि मैम मसल्स कभी पढ़ा था पता नहीं है करके। क्या है बोलो, मसल्स, मस्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, कुछ भी याद नहीं तुम लोगों को, माय गुडनेस। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, अपने स्टमक में स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, एक कॉलम दिया था, तीन कॉलम बनाए थे, गो होम एंड रिवाइज दैट चैप्टर जिसमें हमने सब सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू याद है? नहीं, वेरी गुड, इट शोज हाउ यू मच हैव रियली स्टडीड इन योर नाइन्थ। नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में, वो भी याद नहीं है, पढ़ाई नहीं था क्या ये तुम लोगों ने? रिमेम्बर ना, न्यूरॉन्स, मैसेज पास होता है, हॉट अगर वेसल रहेगा तो इफ आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस सो ऑफ कोर्स चटका लगने वाला है मुझे, बट द मोमेंट आई होल्ड इट हॉट आई टेक माय हैंड बैक, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, याद है? गो होम एंड रिवाइज दैट लाइफ, कौन सा है वो लिविंग, लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जो भी चैप्टर है उसको पढ़ो। उसमें मैंने बोला था मसल्स में दो टाइप्स ऑफ ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, एक लाइट बैंड होता है, एक डार्क बैंड होता है, ये भी मैंने पढ़ा था। तो लाइट बैंड इज द एक्टिन वन, सो एक्टिन एंड मायोसिन। मैम क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इसे डार्क लाइट बैंड जो प्रेजेंट होते हैं मसल्स में, उनको दो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, वन इज कॉल्ड एज एक्टिन एंड वन इज कॉल्ड एज द मायोसिन। अंडरस्टूड? नहीं, हाँ, पैंक्रियास, इंसुलिन, ट्रिप्सिन सब पता है। इंसुलिन पता है ना क्या है? इंजेक्शन से भी इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, क्या है उसका रीजन क्या है? हाँ लेकिन इंसुलिन क्या है मैं पूछ रही हूँ, पैंक्रियास का संबंध ही नहीं है। डायबिटीज होता है ना, तो दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, एक शुगर कम होने का भी, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दो टाइप्स के डायबिटीज होते हैं जिसमें ज्यादा और कम ऐसे रहता है, लो एकदम माइल्ड सिम्टम वाला डायबिटीज होता है और एकदम हायर होता है, वो पर्सन को अगर टेंशन दिया तो वो कभी भी हो सकता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ओके, डायबिटीज होता कैसे? तो बेसिकली योर फूड हैबिट्स, एसिडिटी, डायबिटीज, ये सब चीजें जो है, ब्लड प्रेशर, फूड हैबिट्स, सबसे गंदा आदत, हम लोग उठते हैं सुबह 7 बजे, खाना कितने बजे खाते हैं? 12 बजे, नाश्ता कभी करते हैं? 10 बजे, और अब सोते कभी है रात को, अब कितने बजे सोते रहेंगे तुम लोग? टेंटेटिव टाइम 2, 3, 4, 2, 10, 10 को तो कोई सोता ही नहीं रहेगा गारंटी। एनीबॉडी हु स्लीप्स एट 10 प्लीज ऑनेस्टली बताओ कि मैम हम 10 बजे सोते हैं, इज इट? एंड व्हाट टाइम यू गेट अप? 7, 8 घंटा नींद हो जाता है। नाश्ता कब करती है? 9, कितना गैप हुआ? 10 to 9, 11 hours, are you understanding? तो ये जो है इससे एसिडिटी बढ़ता है, सो अपना फिर भी इट इज फाइन, 9 इज ओके। आई हैव सीन पीपल गेट अप एट 7-8 o'clock, वो पीपल में मैं भी आती हूँ बहुत बार, सो आई गेट अप बाय 6 o'clock, 6:30 आई गो टू माय वर्क एंड आई स्टार्ट बाय 8:30 माय वर्क स्टार्ट, और फिर मैं 1 o'clock को फ्री होती, तो लिटरली मैं 10:30-11 बजे मैं कुछ तो खा लेती हूँ, वो भी कुछ तो रहता है, वो पूरा नहीं रहता है, दैट इज जस्ट समथिंग विच इज नथिंग फॉर माई बॉडी, I need lot of food. तो अगर वो something भी खा लिया तो फिर that gives me acidity. फिर 1 बजे खाना नहीं जाता है. So this is how, because of this, because we sleep by, अभी मैं तो late सोती हूँ, I sleep by 12-12:30. So when I sleep by 12:30 also, it takes 6-7 hours. So 6-7 hours का gap भी बहुत ज्यादा होता है रात को. So when you get up, the first thing is you have to do the heavy breakfast. समझा? Otherwise you have this insulin कम होना, blood में sugar level बढ़ जाना, या फिर ये सारी चीजें होने की वजह से diabetes you get. Are you understanding? ओके, ये सेकंड लास्ट सेट पिंक शर्ट में जो है, बैठ 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 आराम कर, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम विटामिंस, नहीं वहां से मत पढ़, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द सब्सटेंसेस से पढ़, पेज नंबर 16, और जोर से पढ़ा, मेरे पास बुक नहीं है, समझ में आना चाहिए।
मास निकालिए पढ़ फैटी एसिड्स आर अब्सॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी फ्रॉम द फैटी एसिड डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देम सेल्स एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एस ओओ लिपिड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्मड फ्रॉम फैटी एसिड इनसाइड फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजेन टेस्टोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन किलो कैलोरी बेटा कंडक्टिव है वो कनेक्टिव टिश्यू ओके सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट वेरी सिंपल जो हम लिपिड्स कंज्यूम करते हैं या फैट्स कंज्यूम करते हैं दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म कॉल्ड एज द फैटी एसिड्स ओके अब वहां पे देखो क्या दिया है वो 9 किलो कैलोरी को अंडरलाइन कर देंगे दैट कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू और इट कैन बी आस्क्ड एज अ फिल अप आल्सो फैट्स में कितना है ग्लूकोज में कितना है फिर अब यहाँ पे जो दिया है लिपिड्स का दिया हुआ है बट देन वैसा कार्बोहाइड्रेट्स में कितना है तो योर नोट्स आल्सो यू विल फाइंड दिस आंसर उसको चार मार्क नहीं दिया रहेगा तो आप लोग जाके दे दो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन एनी वेज लाइक उनको टेस्ट में भी आएगा या फिर इन योर एग्जाम ऑल्सो ओके एडिपोज एडिपोज के लिए तुमको जाना पड़ेगा 9 स्टैंडर्ड में वापस सो द कनेक्टिव टिश्यू विच इज देयर उसके अंदर ब्लड देखा था हमने लिम्फ देखा था फिर टेंडेंस लिगामेंट्स उसमें एडिपोज टिश्यू भी था सो एडिपोज टिश्यू इज नथिंग बट मेड अप ऑफ फैट्स सो फैट फैट टिश्यू बोल सकते हो सो अपना जो नर्व्स होता है वो नर्व्स का एक सिंगल नर्व का स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा डू यू रिमेम्बर द नर्व स्ट्रक्चर इफ नो देन प्लीज गो होम एंड रीड दैट चैप्टर नर्व का जो स्ट्रक्चर है वो नर्व के स्ट्रक्चर का जो नीचे का पार्ट है एक्सॉन पार्ट है उसका जो कवरिंग है दैट इज मेड बाय एडिपोज टिश्यू तो बाय चांस जैसे अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड यहां से लेके जो नर्व्स जो भी प्रेजेंट है दे आर हैविंग द एडिपोज टिश्यू का कवरिंग सो बाय चांस इफ आई टच ओवर हियर विद एनी ऑफ द स्विचेस एंड कुछ थोड़ा सा भी मुझे शॉक होता है कभी-कभी सिर्फ टचिंग से भी थोड़ा सा होता है यू जस्ट ड्राइव योर हैंड बैक सो वो जो थोड़ा सा एक झटका या जो लगता है उसकी वजह से भी तकलीफ हो सकता है बट बिकॉज ऑफ दिस एडिपोज टिश्यू द फैट टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट दे प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग द शॉक आई यू अंडरस्टैंडिंग तो अगर आता भी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज वहां पे एडिपोज टिश्यू का नर्व्स के ऊपर कवरिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ओके यस लास्ट बेंच कैन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दैट वाटर वाला थिंग नहीं विटामिन से पढ़ बेटा विटामिन का पहले विटामिन आर कंपाउंड्स ऑफ दिस इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी There are main 6 types of vitamins, example A, B, C, and K. Out of these, A, B, D, and K are fat soluble, whereas B and C are water soluble. We have seen that NADH2 and NADH2 are produced through the processes like glycolysis and Krebs cycle vitamins like glycolysis. Glycolysis and Krebs cycle vitamins like vitamin B2 and glycosaminide, vitamin B5, respectively are necessary for the production. इधर पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है क्या मालूम कौन से दुनिया में है तो यहाँ पे कुछ अलग दिया है ऐसा आप लोग को लग रहा है सिर्फ वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन से उसको अंडरलाइन कर लेंगे एवरीबॉडी हियर आल्सो ऑनलाइन पीपल पेज नंबर 17 विटामिन का पैराग्राफ में देखो उसमें देखो क्या दिया है ए डी ई के आर कॉल्ड एज द फैट सोल्यूबल विटामिन Whereas B and C are called as the water soluble vitamins. So that is one thing important. Uske baad mein FADH2, NADH2 are formed. Nicotinamide,
राइट, फ्लेविन क्या क्या ये सब, एफएडी एनएडी एच2 सबका फुल फॉर्म वहां पे दिया हुआ है हम लोगों को। ये सारा फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता है, एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, क्रेब्स साइकिल में होगा और एटीसी में होगा, तो वही उन्होंने वहां पे बोला हुआ है। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से अल्सर्स होने का चांसेस ज्यादा है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस द अल्सर प्रॉब्लम? दैट इज ओके, उसमें कुछ ऐसा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज फाइन। इफ पीपल आर फेसिंग, द फर्स्ट थिंग इज यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, योर स्लीप अफेक्ट्स ऑल दीज थिंग्स। सेकेंडली विटामिन डेफिशियंसी, सो पीपल इफ यू लाइक इफ यू रियली गो टू अ डॉक्टर एंड से कि मैं को अल्सर का प्रॉब्लम हो गया, तो वो तुमको टैबलेट लिख के देगा, 200-300 रुपए का टैबलेट हो जाएगा, ठीक है। वो टैबलेट में क्या है, तो अगर वो मैंने रिसर्च किया जब मेरे को अल्सर हुआ, तो आई जस्ट रेड अबाउट दोज एंड मैंने वो गूगल पे सर्च करके देखा, सो दोज आर नथिंग बट आर्टिफिशियली गिविंग यू विटामिंस इन योर बॉडी। तब से मैं समझ गई, इससे अच्छा घर पे जो आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो हम ज्यादा खाएंगे, तो 100 रुपए का मेडिसिन खाने से अच्छा तो मैं 100 रुपए का भाजी बना के खा। आई यू अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे एक ही दिन में थोड़ा मास्टर नहीं बन जाता, यू नीड टू रिसर्च ऑन थिंग्स, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्या रीजन रहेगा, ओके। सो विटामिन डेफिशिएंसी अगर है तो ये चीज है कि जो आपको कंज्यूम करना है, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके सोर्सेज भी है, सो यू नीड टू नो व्हाट आर द सोर्सेज जिसकी वजह से विटामिन मिलेगा। फ्रूट्स क्या है, बहुत सारे फ्रूट का है, फ्रूट का जो पल्प है, मतलब मैं को ऐसा एक बार सजेस्ट कर दिया था लेकिन वो मुझे कुछ सही नहीं लगा था, बिकॉज फ्रूट्स हैज लॉट ऑफ शुगर ऑल्सो, मतलब मेरा कुछ कंसर्न ही अलग है, मेरा जाने दो, बट देन दिस थिंग लाइक अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, सो आई थिंक विटामिन के सोर्सेज के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल यू कैन कंज्यूम, राइट। So that is all. Vitamins are of many types. B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B5, B6, B7, then B9, that is folic acid, and B12, cyanocobalamins. These are the names of the vitamins जो मैं बोल रही हूँ. Folic acid, riboflavin, these are the names of the vitamins. So normal medical language में हम लोग अगर बात करें तो B1, B2 ऐसे बोलते हैं. वो लोग ये अगर riboflavin है क्या ये है, तो ऐसा अलग नहीं लगने देने का, वो सब vitamins का नाम है और कुछ भी नहीं, ठीक है, fine. Yes, start reading from There is about 65-70% water in our body. Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also contains 90% of water. Functioning of cells thereby the body. वो जो वहाँ पे percentages दिए ना उसको underline कर लेंगे. So total अपने body में 65-70 के range में है. Cell contains 70% of water. एक सेल की बात हो रही है, सिंगल सेल। ब्लड प्लाज्मा, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? व्हाट आर ब्लड कंसिस्ट ऑफ? ब्लड क्या क्या कंसिस्ट करता है बोलो? आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, WBC, RBC, white blood cell, red blood cell, plasma membrane. Yes, yes. RBCs, WBCs, plasma, platelets. RBC मतलब क्या? Red blood cell. और एक नाम है, क्या बोलते हैं? Erythrocytes. ये आएगा तुमको अभी, आई थिंक कौन से चैप्टर में, इसमें ही है, इसके इसके एमसीक्यूज में ही मिलेगा आपको, इसमें नोट्स में, या फिर आई थिंक वी नीड टू मूव टू द थर्ड चैप्टर, तो उसमें आएगा वो आपको। आरबीसीज आर कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज आर कॉल्ड एज द वाइट ब्लड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लाज्मा भी, ये जो प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स अगर बॉडी में कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से या डब्ल्यूबीसी कम होने की वजह से यू कैन रियली गेट टाइफाइड आल्सो। टाइफाइड होने का एक रीजन ये भी, डब्ल्यूबीसी का एक काउंट है, इतने 1000 में वो प्रेजेंट रहना चाहिए, अगर उसका काउंट कम हो जाता है तो पीपल गेट फीवर, या फिर मतलब बोलते ना जो भी है वो क्वांटिटी में रही तो सही है, हमने बैलेंस डाइट के बारे में बचपन से पढ़ते आए। जॉन्डिस भी आता है ना, अगर कोई गोरा होता है तो दिन भर दूध ही पियेंगे क्या? नहीं, पहली बार दूध पीने से कोई गोरा होता ही नहीं है, फिर भी अगर ये सर कोई अफवाह जो फैलाता है ना, इससे बचपन में बहुत दूध पिया रहेगा या पीता है, इसके लिए गोरा है, व्हाटएवर, आई डोंट नो, इसका हाइट बहुत अच्छा है तो मैं ये खाऊंगी तो मेरा हाइट बढ़ जाएगा, दिस ऑल आर जेनेटिक्स,
ऐसा लगा तो मैं भी अभी एकदम इधर तक आ जाती थी एकदम, तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स. सो जितना ज्यादा वो क्वांटिटी में होना चाहिए, अगर वो उतनी क्वांटिटी में है तो इट्स गुड फॉर यू. ज्यादा भी होना गलत है और कम तो होना गलत है ही, ठीक है. सो अगर प्लाज्मा, तो इस प्लाज्मा मतलब ब्लड के अंदर प्लाज्मा में कितना वाटर का कंटेंट है, तो दैट इज योर आंसर गिवन ओवर देयर. कितना दिया है? 90%, ठीक है. दिस यू हैव टू नो. कंटिन्यू. Functioning of cells and membrane of whole body disturbed even if there is a little loss of water from the body. As water is an essential nutrient, along with all above mentioned nutrients, fibers are also essential nutrients. We cannot attain the fiber. However, there has been the digestion of other substances and injection of undigested substances. We obtain the fibers from leafy vegetables, fruits, cereals, etc. ये क्या है? किसमें प्रेजेंट रहता है सेल्यूलोस? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहता है सेल्यूलोस प्रेजेंट. ये है फाइबर. फाइबर्स हम डाइजेस्ट नहीं करते. डाइजेस्ट फाइबर्स कौन करता है पता है? काउस, ड्यूमिनेंट्स. ड्यूमिनेंट्स मतलब काउस जैसा जो मंचिंग 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 चालू रखते हैं, वो अंदर डाल के खाना वापस बाहर लेके मंच कर सकते हैं. That process is called as rumination. ठीक है? If you want, you can write and you can search on it. Rumination करते. तो वो आप देखते रहेंगे कि मतलब अभी खाने को देंगे तो फटाफट they will take everything inside. And then after some time, एक shade में मस्त बैठ के again they keep on munching there food. तो सब इधर मुंह में जमा करके रखा है क्या? नहीं. वो वापस बाहर आता है. अपने अपने में ऐसा नहीं है. सैंडविच गया तो वापस सैंडविच बाहर आएगा? नहीं. सैंडविच गया तो फिर अगले दिन ही बाहर निकलेगा सीधा. That's the like वो human का system है. So we cannot digest cellulose, green leafy vegetables. तो जब भी, for example, आज मेरे घर पे मेथी है, ऐसा नहीं होना चाहिए आज संडे. तो अगर by chance चलो मेथी बन भी जाता है तो मैं आड़ा टेढ़ा मुंह करके खाऊंगी obviously. तो because my mumma literally she does that to me at this age also. खा खा खा, that is a thing what happens with me also. Because I'm like, हाँ कुछ spicy बनाओ तो then it's okay. But then green leafy and non-veg रहेगा तो best ही है. फिर तो life बन गया अगर संडे को non-veg है तो. तो व्हेन आई गो होम अगर मेरे को मेथी दिखता है, सो व्हाट आई डू, आई ईट मेथी. खाना ही पड़ेगा, बनाया तो क्या. सो वंस व्हेन आई कंज्यूम इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उसके अंदर का जो सेल्यूलोस प्रेजेंट है वो मेरा बॉडी डाइजेस्ट करेगा क्या? नहीं. तो वो फीसेस के फॉर्म में बाहर निकलेगा. बट देन हाउ? दैट इज लाइक अ फाइबर. सो दैट फाइबर इज गोइंग टू प्रोवाइड रफेज. इसको रफेज प्रोवाइड करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकलने. तो वो भी बाहर निकल जाएगा. इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ रफेज फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू गेट आउट ऑफ द बॉडी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो अपने में डाइजेस्ट नहीं होता है, बट रूमिनेंट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज भी वो लोग डाइजेस्ट करके लेते हैं. इसलिए वो लोग हर्बीवोरस है और हम ओमनीवोरस है. समझ रहा है क्या फर्क? अभी तक सिर्फ डेफिनेशन पता था, बट ये भी चीज उसमें थी. ठीक है? दैट इज वॉट दे आर सेइंग अबाउट इज द फाइबर. सो वेयर ऑल डू यू गेट द फाइबर्स फ्रॉम? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड देन ठीक है. बट सबसे ज्यादा कंटेंट यू गेट इट फ्रॉम द ग्रीन लीफी वेजिटेबल. आई होप इट इज क्लियर. ओके फाइन. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन वेट फॉर 2 मिनट्स. आई जस्ट गो, आई जस्ट हैव वाटर एंड ऑल. सेल डिवीजन पढ़ना स्टार्ट करें, बिकॉज सेल डिवीजन में से क्वेश्चंस आने का मतलब होता है ना, एकदम है ही है, पक्का आने ही वाला है. ठीक है? जस्ट अ मिनट, पीपल हु आर ऑनलाइन. ओके मिस. या फिर मुझे वो पसंद है तो आई एम ईटिंग दिस दैट. बट देन बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो अल्टीमेटली अंदर जाके वो वैसे डिवाइड ही होके ये हो रहा है. सो दैट इज राइट. वो हम लोग ने उनको ऐसा नाम दिया, किसको पता था कि कैसे हाथ में पकड़ के उसको चिकन ही बोलना हुआ करके. तो बुक में लिखा है क्या इधर? सो दैट वी हैव मेड इट. एंड खास करके ह्यूमंस नो लाइक उनको बहुत सारा टेस्ट चाहिए लाइफ में, रियल लाइफ में भी चाहिए. हाँ ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे भी होता ही अपने लाइफ में. इज इट? सो ह्यूमन टेंडेंसी आई एम टेलिंग यू, कैसा अपना टेस्ट फटाक से चेंज हो जाता है. आज मेरा मूड है स्पाइसी खाने का, कल मेरा मूड हो सकता है स्वीट खाने का. सो वेर इज दिस कमिंग फ्रॉम? दिस कमिंग फ्रॉम विद इन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, उसको नाम तो हमने दिया है, बट ये सेल्स आर द ओनली थिंग विच वी आर कंज्यूमिंग, विच आर गेटिंग डिवाइडेड इन टू आर बॉडी इन साइड
फॉर आर फेवरेट, लाइक आर फेवरेट फेवरिज्म, मतलब अपने खुद के लिए, अपना फेवरेबल कंडीशन होने के लिए, ठीक है मेरे बॉडी को फिर जो चाहिए, व्हाट माय बॉडी विल डू, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब व्हाटएवर इट वांट्स, एंड जब पता है कि जो नहीं अच्छा है तो उसको थ्रो कर देंगे, बिकॉज अगर वो रहेगा तो मेरे बॉडी को प्रॉब्लम देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, जस्ट रीड आई विल बी okay, moving to the next, and that is the last part of the chapter, that is about self division. jitna wo wahan pe sahi bhi dikh raha hai na, kuch to ho raha hai, kuch to ho raha hai, but what is happening wo samajhna bahut hi zaruri hai. I repeat, wahan pe the whole process of cell division is been divided into two parts. One is called as meiosis, other is called as mitosis. ye meiosis mitosis इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस इन दिस टाइम अगर आपको वो अच्छे से समझ जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर्स आल्सो. अभी इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो सब चीजें उसमें पढ़नी है. तो वो टाइम पे दी सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, ऐसा लिख के दे देंगे स्टेटमेंट, तो वो टाइम पे मुझे कोई पूछेगा नहीं मैम माइटोसिस क्या है, कि मैं आपको पूछने वाली हूँ. यस टेल मी व्हाट इज मियोसिस, यस टेल मी द सेल्स आर डिवाइडिंग बाय माइटोसिस, मतलब क्या हो रहा है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्मड, हाउ मेनी सेल्स आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू, दैट विल बी माय क्वेश्चन टू यू पीपल. सो तभी तो आप लोगों को मुझे आंसर करना है कि अरे हाँ मैम ये हमने बस अभी पहला ही लेसन है. आई अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे वैसा वो रीजन नहीं चाहिए कि मैम उनको तो पता ही नहीं है ये क्या है करके, वी डोंट नो व्हाट इज इट करके. ऐसा अगर मुझे सुनाई दिया, ऑफलाइन लेक्चर है, बहुत लकी हो तुम लोग, इतना मार का और ये बंद करके, कैमरा बंद करके फटके दूंगी, रिकॉर्ड ना हो जाए, सर को बोले कि सर 2 मिनट बंद कर दो, ये भी बंद कर दूंगी, इतना मारूंगी एक को पकड़ के, बिकॉज इसीलिए अभी पढ़ा रही हो तो ध्यान देके सुनो, ठीक है? फाइन. सो सेल डिवीजन, ये वर्ड से तुमको क्या समझ में आता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सेल डिवीजन? सेल का डिवीजन होना, सिंपल मैम इतना तो हमको इंग्लिश आता ही है, इज इट, एक सेल है उसका डिवीजन हो गया तो 2 में डिवाइड हो गया, दैट इज सेल डिवीजन. एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्यों लिखा है वहां पे, एंड इसेंशियल लाइफ, इसेंशियल नेसेसरी, ये वर्ड अपन कब यूज करते हैं? तो मेरे लिए मुझे जीना है तो मुझे पेरेंट्स मेरे इसेंशियल है ऑब्वियसली, राइट? डांस मेरे लिए इसेंशियल है, मैं कितनी भी एजेड हो जाऊँ तो भी डांस में कभी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज आई हैव मेड दैट थिंग यूज्ड टू टू माय बॉडी, वो मेरे लिए एसेंशियल चीज है. फूड इज एन एसेंशियल चीज, वो तो हमने बनाया है इसके लिए, बट फूड नहीं भी मिलता है तो इफ आई गेट डांस, इफ आई डू डांस फॉर सम टाइम, आई टोल्ड यू दैट माय स्ट्रेस रिलीफ थिंग, तो वो दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज एन एसेंशियल थिंग, वो मैंने बना के लिया है. वैसा लाइफ प्रोसेसेस में यू कैन सी सेल डिवीजन इज एन एसेंशियल. व्हाई डू यू थिंक सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज एन एसेंशियल एक्टिविटी या फिर एसेंशियल प्रोसेस? क्या होगा सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा, दो सेल्स बन जाएंगे, दो डिवाइड होकर कितने बनेंगे, चार का. दिस प्रोसेस कीप्स ऑन हैपनिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, cells are multiplying, multiplying, yes. So what is happening, multiply हो रहा है, मतलब हम क्या किस ओर जा रहे हैं, what are we moving towards, group of cells is called as multicellular, मतलब tissue बन जाएगा, ठीक है? अगर ये division होता ही नहीं तो do you think कि reproduction नाम का कोई चीज होता भी नहीं? सबसे पहली बात खुद के लिए भी ले लेते हैं, अगर reproduction ही नहीं है तो आगे जाके cells divide भी नहीं होंगे, वो ऐसा related है. If anybody is not able to reproduce, any woman or whatever, this is what you're going to study in the next chapter also again. So if she's not, we have different processes right now. We have IVF, right? In vitro fertilization है. फिर we have sperm banks which are present. तो ये बहुत अलग-अलग चीजें हैं. So that no parent can be deprived of a child.
अगर लाइफ में रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो हम तो होते ही नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हेंस सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच मोर रिलेटेड विद द टर्म कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, फाइन. सो वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. यस सबरीश, कैन यू रीड फ्रॉम सेल डिवीजन? Cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. Due to this property, a new organism is formed from existing one. A multicellular organism shows up and emaciated body can be. What do you understand by the word emaciated? Died kya cells? Nearby. अगर कोई टिश, हाँ, इंजर्ड, या फिर मैं बोलूंगी कट पार्ट भी इमेसिएटेड बोला जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेल्स हम कट करते हैं, आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज बैक. ऐसा अगर कोई भी टिश्यू या कोई भी पार्ट अगर इमेसिएट होता है, मतलब कट होता है, तो उसका रीजेनरेशन होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है. ठीक है, कुछ तो बोलो मैम, कुछ पता ही नहीं तो क्या बोलेंगे, मतलब ये तुम लोग का आंसर रहेगा ना. अभी नया टर्म से आप बताओ, बोलते ही नहीं हो कि मेरे लेक्चर में मुंह बंद करके बैठे रहते हो, इतना डरते हो मुझसे. नहीं मैम, इज्जत रखते इसके लिए चुप बैठे, नहीं तो हम लोग तो, ये सच है ना. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. वन इज कॉल्ड एज द सोमैटिक एंड वन इज कॉल्ड एज द स्टेम. स्टेम सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स ऐसा भी बोल सकते. So the parts where the reproductive parts are present, secondary sexual characters which are present in males and females both. वो जो parts है वहां पे जो cells present होते हैं उनको हम बोलेंगे stem cells या फिर reproductive cells. Are you understanding? So अगर हम females की बात कर रहे हैं, males की बात कर रहे हैं, तो जो भी reproductive parts जहां पे भी present है, those cells are called as the stem cells या फिर reproductive cells. Whereas the other cells, so the cells except the reproductive part wala cells are called as the somatic cells. Do you want me to repeat it? Anybody who wants me to repeat it again, I will. Papa se ek bar karu? Nahi. Wherever in my body there is the reproduction parts present, organs, the reproduction jay, organs asta. So wherever the organs are present, those are called as the stem cells. Or you can say reproductive cells. And other than that, abhi reproduction, pura body is not reproduction. You have only specific parts which come under reproduction. That you will see in FRS. FRS is female reproductive system, next chapter mein. So, jahan par bhi reproduction hoga, those parts are, the cells wahan pe jo present hai, those are the reproductive cells. Uske alawa, you have hand, you have legs, and you have many other things also. Right? So, wo jo cells present hai, those are called as the somatic cells. So non-reproductive cells are called as somatic cells, right? Okay. Continue. Mitosis occurs se wapas pad. Mitosis occurs in somatic cells and stem cells of the body, whereas meiosis occurs in germ. Please underline, very important. Mitosis do cells mein hoga, stem cells as well as somatic, dono mein bhi hoga. Reproductive part mein bhi hoga, non-reproductive mein bhi hoga, wo hai mitosis. Meiosis कहाँ पे होगा? Only germ layers में होगा. Ma'am, what are germ layers? Animal classification पढ़ा है ना? Skin layers. Yes. Skin layers एक है, germ layers. Yes. So we have three types of germ layers. Protective layers. Yes. Those are called as the endoderm, ectoderm, mesoderm. Endoderm, ectoderm, mesoderm. Right? Mesoderm. Anyways, you can place it off. So those are the germ layers. So मैम, इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, माइटोसिस होता है दोनों में, स्टेम सेल सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल. माइटोसिस कहाँ पे होता है? ओनली इन द जर्म सेल्स. ओनली इन जर्म. अंडरस्टैंडिंग? यस मिस. ओके, यस बेटा, कंटिन्यू. स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, टू
Each cell has a nucleus. Besides, other cell organelles are also present. Let us study the cell division with the help of. Now, ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना? ये तो एक में हमने पढ़ लिया है cell and cell organelles में. ये है cell. उसके बीच में है brain of the cell. Nucleus. में है. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? Not under basically, but embedded on the साइटोप्लाज्म क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. सेल ऑर्गेनेल्स. यस 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 अनगा. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट कॉल्ड एज द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा. उसमें नहीं जाना है, दो साल पहले नहीं, अभी दो साल बाद में आ गए ना, तो उधर नहीं जाएंगे. बट देन इफ यू वॉन्ट यू कैन रिवाइज दोस चैप्टर वंस अगेन. सो आई थिंक लाइफ प्रोसेस में तो सबको रिवाइज करना ही पड़ेगा टिश्यूज वाला चैप्टर. नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन करूंगी ना, पढ़ के आना पड़ेगा वो चैप्टर तुम लोगों को. सो लेट इट बी, कभी भी मेरा लेक्चर रहने दो, आज के 10 दिन बाद, आज के 8 दिन बाद, या फिर डायरेक्टली 17 के एक दिन पहले, फर्क नहीं पड़ता है. यू हैव टू रीड एंड का. मैम आप उसका पीडीएफ भेज सकते हो क्या? मैम आप वो चैप्टर का पीडीएफ भेज सकते हो जो गए साल का था? Yes, Anada, what are you saying? Can you type a message? Ma'am, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है. No, बेटा. Okay, okay, I will do message. You have any doubt, Anada? Yeah, speak up. बेटा 9th स्टैंडर्ड का दैट चैप्टर का पीडीएफ इज नॉट विथ मी, मतलब आई हैव नॉट मेड दैट पीडीएफ. वो मैंने ऐसे ही टेक्स्ट बुक से पढ़ाया था. सो दैट आई डोंट हैव. आई हैव दिस लाइफ प्रोसेसेस का पीडीएफ, दिस आई विल शेयर विथ यू, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. ओके, ओके. Starting with the first one, that is about mitosis. Before going to mitosis, what is a chromosome? Rather, what is the use of a chromosome? Kya hai chromosome ka kaam kya hai apne isme? Wo nahi rahega to chalega kya? Abhi heredity padhne ke baad agar mujhe iska koi answer nahi dega na, to fir main phatke dunga. Kya karta hai chromosomes? Ha? कितना है टोटल नंबर? 46 43. अरे इसको पूछ रही हूँ. 22 पे पता था कि सुन के लिखा है इसके लिए. वेरी गुड. सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. You have X and Y chromosomes present. Again, 9th standard, same chapter. Okay? No, not same chapter. Heredity and variation, another chapter. पता चला वो chapter पढ़ लेंगे, बोलेंगे मैम आपने जो बोला chromosome तो उसमें था ही नहीं. Like living processes and ये दूसरा heredity and variation. अब heredity and variation की बात करेंगे तो उसमें chromosome का structure पढ़ा था. Acromere, centromere कहाँ पे present है, metacentric. Acrocentric, याद है? Go home and please study the structure of chromosome. लोग पागल नहीं है नाइन्थ में चैप्टर देखे फिर वही रिपीटेड टेंथ में लेने के लिए, कंटिन्यू टेंथ में लेने के लिए. Are you understanding? Okay. क्या बोल रही थी मैं? हाँ. So X and Y, the chromosomes present in a girl. कौन सा होता है? In a woman basically. एक ही है मेरे अंदर, एक ही क्रोमोसोम है मेरे अंदर, एक्स वाई है. सब बना दो मेरे को, लड़का लड़की खड़े खड़े दो मेक एवरीथिंग.
क्यों नहीं पता? या गुड, फाइनली हैप्पी. सो फीमेल्स हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट. सो फीमेल हैव नथिंग टू गिव, बेचारी शी विल गिव एक्स क्रोमोसोम ओनली. So it totally depends. The gender of the child totally, absolutely depends only and only on the men. Because from men they have X and Y both the chromosomes. So उसमें से X आएगा कि Y आएगा? अब वो तो हमको पता नहीं, अंदर हम देख नहीं सकते क्या चल रहा है. So अगर X आता है तो X X होगा तो it's a female. X अगर Y आता है तो female has only X to give. What she has? Nothing. I have in my body XX chromosomes, right? मेरे body में XX chromosome present है. Now if I'm marrying a person and then we are expecting our child. So अगर मेरे body में से क्या जाने का chances है? कुछ और है option मेरे पास? So from my body X chromosome will be given and from my husband's body it's either X or Y. If it's X then we are having a girl child. If it's Y then we are having a boy child because it is XY. Are you understanding? ये हमने concept पढ़ा था, अभी थोड़ा सा जस्ट मैंने इसको brush up करके तुमको दे दिया. ठीक है. सो इन दिस वे कितना 46 क्रोमोसोम्स, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट. अभी व्हेन वी स्टार्ट विद द माइटोसिस प्रोसेस, सबसे पहले हमको ये देखना है कि वेयर इट टेक्स प्लेस एंड व्हाट इज द स्टार्ट. अब माइटोसिस मियोसिस का सबसे बड़ा मैं तुम लोग को डिफरेंस बता देती हूँ. माइटोसिस इज फोर स्टेप्स ओनली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ओनली फोर स्टेप. मियोसिस में देखो, मियोसिस वन, मियोसिस टू, मियोसिस वन इज गेटिंग, प्रोफेज इज हैविंग मोर फाइव, पैचीटीन, देन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो लाइक. और अभी इसमें नहीं दिया है मेरे हिसाब से, नोट्स में रहेगा तुम्हारे. ओके, सो प्रोफेज इज ऑल्सो डिवाइडेड मोर इंटू फाइव स्टेप्स. फाइन, तो बेसिकली मियोसिस थोड़ा सा टीडीएस है. टीडीएस मतलब दिमाग जगह पे रख के ये करना पड़ेगा. माइटोसिस आपको नेक्स्ट लेक्चर में 10 मिनट में समझ जाएगा. ठीक है, मैं लिंक भी भेज दूंगी अगर मुझे वीडियो का भी लिंक मिलता है. दैट आल्सो आई विल फॉरवर्ड इट टू यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ठीक है. सो अभी सिंस टाइम भी हो चुका है, मैं माइटोसिस नहीं स्टार्ट करना चाहती बिकॉज अगर मैं स्टार्ट कर दूंगी तो वो आधा अधूरा रह जाएगा और पहले ही तुम्हारे दिमाग भी आधे ही है. जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैम क्या बोला था पता नहीं, तो ये ऐसे हो जाता है. मैं लिखती हूँ और फिर मैं बताओ ना मैम, हमको तो कुछ पता ही नहीं है. सो आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन. सो नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट, आई विल मेक श्योर दैट इन दिस वीक ओनली आई टेक वन लेक्चर एंड वी विल जस्ट फिनिश ऑफ विद मियोसिस एंड माइटोसिस सो दैट मेरे तरफ से आपका ये पोर्शन डन हो जाए. बट देन स्टिल नेक्स्ट लेक्चर में भी हमको 15-20 मिनट मिलता है तो हम चैप्टर 3 चालू कर लें. एम आई क्लियर? होमवर्क लिख के लेंगे, लिख के लेंगे मतलब हाँ नहीं नहीं लिखना ही है. ऑप्शन नहीं दिया था, यस और नो, ए बी. अनघा कैन यू हियर मी? यस मिस. या सो होमवर्क फॉर टुडे, ये बनाया था आप लोगों ने? कोई हाँ बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है? नहीं. Process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate, proteins and fats, lipids, carbohydrate, protein वाला जो table दिया है वो, और right side anaerobic respiration in living organisms, वो दोनों tables आपको बनाना है. See here. Diagram book में बनाना है? Only two. इसमें normal diagram book में बनाना करेगा. मीन्स diagram book में बनाना? No, not in diagram book, in your notebook जहाँ पे तुम answers लिखते हो वो वाला. Am I clear? क्योंकि उसमें flowchart exam के लिए आएगा इसके लिए. So not in your diagram book. I repeat again, सब लोग ध्यान देंगे इधर. Not in the diagram book. In your normal science का book जिसमें आप लोग question answers लिखते हो. Am I clear, children? Yes. Fine. So we can end the session over here. See you all in the next lecture.